हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10 and 20 rupees गेम ट्रिक। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग को रिस्क लेना चाहिए और कहाँ पर आप लोग को रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक गेम में एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने कहीं सेव कार्ड को किया सिलेक्ट। सेव कार्ड यहाँ पर कोहली है, उसका टोटल प्लेयर अभी के टाइम में 500 का है और जो धोनी है उसका प्लेयर अभी के टाइम में 150 का है। कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो आप लोग को मेरे वीडियो को करना है फुल वॉच। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना है। और जैसे कि मेरे सारे वीडियोज़ में आप लोग को गिवे मिलता है, इस वीडियो में भी आप लोग को मिलने वाला है पूरा 300 rupees का गिवे। गिवे विनर बनने के लिए आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रख दिया, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी के टाइम में इस गेम में विन कर चुका हूँ 22 रुपये, ठीक है, 20 रुपये का शायद गेम था गाइस। अब मैं यहाँ पर 10 rupees के गेम में एक एंटर करता हूँ जो कि फ्रूट समुराई का गेम है। 20 सेकंड अभी के टाइम में हो रहा है। जैसे एकदम कम टाइम में आप लोग जितना कम टाइम में आप लोग एंटर कर सकते हो उतना गाइस बेटर है, क्योंकि तुरंत आप लोग का गेम में गाइस रिजल्ट आ जाएगा। तुरंत आप लोग विन या फिर लॉस कर जाओगे और तुरंत मतलब आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जितना कम टाइम में आप लोग एंटर कर सकते हो उतना कम टाइम में एंटर करो। यहाँ पर एक साइड में 213, एक साइड में 239 का टोटल पर था, पर मैंने यहाँ पर सेव कार्ड को क्यों सिलेक्ट किया गाइज, क्योंकि यहाँ पर गाइज देखो एक चीज़ देखो कि यहाँ पर डिफरेंस एकदम ना के बराबर है। इतना डिफरेंस मतलब एकदम इतना कम डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए गाइज, कम से कम 25% तक कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। ये एकदम 5% का डिफरेंस था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया सेव कार्ड को किया था सिलेक्ट। पर यहाँ पर अगर रिस्क कार्ड पर विनिंग दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पर रिस्क कार्ड को सिलेक्ट करता, क्योंकि अगर गाइज ना के बराबर टोटल पेयर्स का डिफरेंस है तब आप लोग को जो कार्ड पर विनिंग दिखाता है उस कार्ड को वहां पर आप लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो 10 रुपये का गेम हो या फिर 20 रुपये का। मैंने यहाँ पर सेव कार्ड को सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं ये वाला 10 रुपीज़ का गेम है और 10 रुपीज़ के गेम में आप लोगों को गाइज रिस्क तब लेना चाहिए जब गाइज आप लोगों का टोटल पे का डिफरेंस फिर भी कम से कम होना चाहिए 50% से। थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा फिर भी आप लोग रिस्क ले सकते हो, बट रिस्क कार्ड पर विनिंग दिखाना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों का जो डिफरेंस है वो भी गाइज ज़्यादा मतलब टोटल पेयर भी ज़्यादा होना चाहिए, प्लेयर्स भी। बट यहाँ पर 10 और 20 रुपीज़ के गेम में प्लेयर्स तो वैसे भी गाइज ज़्यादा ही रहते हैं। अभी के टाइम में यह गेम भी मैंने विन कर लिया। अब जैसे जैसे मैं आप लोग को बताऊंगा ऐसे अगर आप लोग खेलोगे तो आप लोग का हर एक गेम विन होगा। सबसे पहला बात यह है कि टोटल पे का डिफरेंस गाइज, ठीक है, टोटल पे का जो डिफरेंस रहता है नॉर्मली 50%, ज़्यादातर क्या होता है कि अगर देख के ही लग रहा है बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है तब आप लोग को कभी भी गाइज क्या करना है, देख के ही लग रहा है कम डिफरेंस तब वहाँ पर आप लोग रिस्क ले सकते हो, वो आप लोग रिस्क ले सकते हो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर रिस्क कार्ड विन कर जाता है। यहाँ पर देख सकते हो एक साइड में 600 का, एक साइड में 200 का। मैंने यहाँ पर 200 टोटल पर वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर 50% से थोड़ा ज्यादा का टोटल पर इसका डिफरेंस है और रिस्क कार्ड पर विनिंग दिखा रहा है। 20 रुपये का गेम है इसलिए मैंने यहाँ पर फटाक से रिस्क कार्ड को सेलेक्ट किया कर लिया गाइस, क्योंकि 20 रुपये के गेम में सबसे ज्यादा बार गाइस रिस्क कार्ड को विनिंग करवाता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 56 रुपये का विनिंग हो चुका है। मेरा अभी के टाइम में टोटल पर 350 का, उन लोगों का 750 का, बीच का डिफरेंस गाइस अभी के टाइम में कितना हो चुका है टोटल पर प्रॉपर यहाँ पर 50% का डिफरेंस है। ऐसे टाइम पर आप लोग रिस्क लोगे कि 50% या फिर 50% थोड़ा ज्यादा भी टोटल पर इसका डिफरेंस रहता है तो वहाँ पर गाइस अगर रिस्क कार्ड पर दिखाता है तो आप लोग वहां पर रिस्क कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना कि गाइस आप लोगों ने कितना टाइम पर एंटर किया है। अगर एकदम कम टाइम में एंटर किया तो गाइस रिस्क कार्ड को आप लोग अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी डिफरेंस है तो सिलेक्ट कर सकते हो, बट विनिंग दिखाना चाहिए। देख सकते हो यहां पर एक साइड में गाइस 500 का, एक साइड में 281 का टोटल पर है। यहां पर 50% का डिफरेंस था बट मैंने यहां पर रिस्क कार्ड को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहां पर विनिंग तो दिखा रहा था। बट बार बार आप लोग को रिस्क कार्ड को अगर सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया था, शायद मैंने यहाँ पर रिस्क कार्ड को सिलेक्ट कर लिया था, पर एक चीज़ ध्यान देना कि अगर रिस्क कार्ड और विनिंग है तभी सिलेक्ट करना। यहाँ पर भी मेरा विनिंग था और मैंने सिलेक्ट किया, 42 रुपये का विनिंग हो चुका है। दोनों का टोटल पर एकदम सेम हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। बट आप लोग को क्या करना है कि थोड़ा आप लोग को ये देखना है कि टोटल पेयर और टोटल पेयर का डिफरेंस दोनों गाइज अगर अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल पेयर बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है, ठीक है, 500-700 का टोटल पेयर होता है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। इसलिए मैं एक चीज़ बता दूँ, टोटल पेयर का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए गाइज 40% से कम होना चाहिए तब आप लोग नॉर्मली तो रिस्क लोगे ही, पर आप लोगों का अगर थोड़ा ज्यादा भी होता है टोटल पेयर्स का डिफरेंस पर वहां पर भी रिस्क ले सकते हो, बट आप लोग को बार विनिंग दिखाना चाहिए, ठीक है। और एकदम ना के बराबर अगर डिफरेंस आता है, जैसे कि यहाँ पर एक साइड में 267, एक साइड में 274, एक साइड में गाइज यहाँ पर था एक कुछ समथिंग था गाइज 174 या फिर 75 का, तो मैंने यहाँ पर अभी के टाइम में सेव कार्ड को किया सेलेक्ट क्योंकि यहाँ पर 100 का टोटल पेयर का डिफरेंस है और दोनों साइड का टोटल पेयर जो भी है मतलब यहाँ पर टोटल पेयर कम है डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिस्क कार्ड को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। सेव कार्ड को सिलेक्ट करके मैंने गेम को अच्छे से विन कर लिया है। 10 रुपये का गेम था, 14 रुपये का हम लोग यहाँ पर विनिंग हो चुका है। दोनों गेम में एक ही चीज़ को ज़्यादा देखना है कि 20 रुपये के गेम में थोड़ा टोटल पेयर कम होता है, 10 रुपीज़ के गेम में थोड़ा ज़्यादा होता है, बस यही फर्क है। बाकी ट्रिक में गाइज एक ही फर्क है कि डिफरेंस कम होना चाहिए दोनों का। अगर जितना जिस हिसाब से टोटल पेयर रहता है प्लेयर जो है गाइज उसको हिसाब से ही आप लोगों को खेलना है। अगर किसी साइड में प्लेयर बहुत ज़्यादा है, किसी साइड में एकदम कम है, उस टाइम आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेव कार्ड को करना है सिलेक्ट। एक साइड में 113, एक साइड में 123 का, एक साइड में गाइज 448 का। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, फटाक से सेव कार्ड को कैसे
सेलेक्ट, क्योंकि ऐसे टाइम पर गाइस देख के ही पता चल जाता है कौन कार्ड विन करेगा। यहाँ पर आप लोगों को कभी गलती नहीं करना चाहिए, 26 रुपये का मेरे यहाँ पर विनिंग हो चुका है। बहुत सारे बंदे यहाँ पर रिस्क लेते हैं, इसलिए यहाँ पर रिस्क गेम प्ले विन करना बहुत आसान है। बट आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि रिस्क कार्ड पर अगर विनिंग दिखाता है तो अभी रिस्क कार्ड विन करेगा, और एवरेज स्कोर के हिसाब से विन करता है। जैसे कि यहाँ पर दोनों साइड में 6-6 का टोटल पर 6-6 का एवरेज स्कोर था, इसलिए मैंने यहाँ पर गाइस क्या किया कि रिस्क कार्ड को कर लिया सेलेक्ट। पर आप लोगों को एवरेज स्कोर को भी ज़्यादा नहीं देखना, क्यों नहीं देखना, क्योंकि एवरेज स्कोर गाइस तुरंत पलट जाता है, तुरंत बदल जाता है। इसलिए एवरेज स्कोर और टोटल पेयर दोनों मेन चीज़ें पर सबसे पहले आप लोगों को टोटल पेयर को देखना। ये वाला 20 रुपये का गेम था, दोनों का टोटल पेयर एकदम सेम हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर गाइस ज़्यादा 10 रुपये गेम था, 20 रुपये मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अच्छा खासा हम लोगों ने तब से विनिंग कर लिया, और मैंने जैसे करके आप लोग को मतलब बताया गाइस उसे आप लोग को खेलना है, आप लोग को हर गेम विन होगा। एक साइड में 230 का, एक साइड में 430 का टोटल पेयर है। मैंने यहाँ पर गाइस रिस्क ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपये का गेम था, अभी के टाइम तो मेरा डबल प्रॉफिट हो रहा है। अभी मेरा टोटल पेयर हो चुका है 450 का, उन लोगों का 500 का, बीच का डिफरेंस जो कि इतना कम हो चुका है। जब मैंने रिस्क लिया था तब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बट जितना जितना आगे जा रहा है और भी ज़्यादा लोग रिस्क ले रहे हैं और डिफरेंस एकदम कम हो चुका है, ना के बराबर। ठीक है, आप लोग को तभी रिस्क लेना चाहिए जब डिफरेंस कम हो, और टोटल डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा भी रहता है तो रिस्क ले सकते हो, बट आप लोग पर विनिंग दिखाना चाहिए कार्ड्स पर। ओके, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया और जैसे मैंने खेल के दिखाया है, यहाँ पर रिस्क भी आप लोग बहुत ले सकते हो, मतलब 60% चांस है रिस्क कार्ड का विन करने का, कोई भी टोटल पे का डिफरेंस हो। बट आप लोगों को रिस्क तभी लेना जब डिफरेंस कम हो या फिर थोड़ा ज़्यादा भी रहने से चलेगा, बट ना के बराबर डिफरेंस रहने पर आप लोग जो कार्ड पर विनिंग दिखाता है उसी को सेलेक्ट करना है। तो जैसे करके मैंने आप लोगों को बोला है, वैसे ये खेलना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर दो, और जल्दी से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे डेली आप लोग को गिवअवे मिलता है। कैसे आप लोग गिवअवे बन सकते हो वो भी आप लोग को टेलीग्राम पे ही पता चल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि जो जो भी कमेंट करते गए जो सारे कमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं जब गिवअवे अनाउंस होता है तब, और मैं डेली टेलीग्राम पे लाइव आता हूं, डेली आप लोग मेरे साथ खेल के बहुत सारा विनिंग कर सकते हो, बहुत सारा लॉस कवर कर सकते हो। तो जल्दी से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आप लोग मेरे साथ डेली लाइव भी खेल सकते हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।